हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस ब्लाउज कढ़ाई वाले ब्लाउज को सिलना बताऊंगी। कटिंग की वीडियो जाइए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने कटिंग कैसे किया है स्टेप बाय स्टेप, अब चलिए इसमें स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हो गया पीछे का पल्ला, ये हो गया दोनों बाजू, इसमें हो गया दोनों आगे का, यहाँ पे है गला वाली पट्टी, हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने अस्तर वाला ये ब्लाउज है, तो साड़ी की लाइनिंग नीचे है। कटिंग हमने कैसे किया है, इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है कटिंग की वीडियो, आप जाइए देखिए, कटिंग सीखिए, फिर आप भी स्टिचिंग सीखिए। तो इस सबको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमने पीछे का पल्ला को रख लिया, ये हमने आगे के पल्ला को रख लिया। मैं मशीन पे चलती हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको सिलना दिखाती हूँ। ये हो गया बाजू, ये हो गया चौड़ी वाली काज वाली पट्टी, पतली वाली हुक वाली पट्टी, ये जो जाएगी गला वाली पट्टी। तो चलिए मशीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है, आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए। और इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए सिलते हैं। फ्रेंड्स, मशीन पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले पीछे वाला पल्ला को रेडी करेंगे। तो यहाँ मेन वाला फैब्रिक ले लिए हैं और यहाँ इसका अस्तर है, तो अस्तर को हम लगाएंगे कैसे वो देखिए। तो इस तरीके से लेना है, ये वाला को सीधा रखना है, मेन वाला जो फैब्रिक है उसको हमें सीधा रखना है, इसके ऊपर से अस्तर को उलट कर रखेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने अस्तर रख लिया, हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए किनारे सिलाई लगाएंगे, दोनों को मिला लेना है और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए किनारे से सिलाई लगाना है। तो वो लगाते हैं तरीके से। दोनों को मिलाते हुए सिलाई चला देंगे। तो अब हमने इसको सिलाई चला ली, अब इसको पलट कर सीधा करेंगे ऐसे। अब इसको सही से सेट करेंगे, तो हमने सही तरीके से सेट कर लिया है। अब लगाएंगे टेकिन, तो टेकिन हम कैसे लगाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे मार्क लगा हुआ है, यहाँ से पकड़ना है ऊपर से और नीचे की तरफ लगाते जाना है। तो यहाँ पे हमने टेकिंग हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए एक साइड का लगा लिया, इसी तरह दूसरे साइड लगाएंगे, भी हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए टेकिंग लगा लिया है। ये देखिए, अब हमें करना क्या है, आगे का पल्ला रेडी करना है। ये पीछे का हो गया, अब आगे का रेडी करते हैं। हमने आगे वाला पल्ला ले लिया है, नीचे में हमने अस्तर रखा हुआ है, ऊपर में हमने मेन फैब्रिक रखा हुआ है। अब इसको टेकिंग लगाएंगे कैसे, तो वो देखिए, यहाँ से हमें पीछे का ऐसे कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले हमें ये वाला टेकिंग लगानी है, पहले आप अगर नए हैं तो रफ स्टिच कर लीजिएगा, आपको ऐसे प्रॉब्लम होगी। एक टेकिंग हमने ये लगा दिया, अब दूसरा लगाएंगे। हमने दूसरा भी लगा लिया, अब इसको पहले हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं। अब ये वाला टेकिंग लगाते हैं, ये वाला लगा देते हैं बराबर से। हमने तीन टेकिंग लगा लिया, अब इधर वाला लगाएंगे। सब टेकिंग एक का लगा लिया, अब बेल्ट ज्वाइंट करेंगे। नीचे हमें ये वाला फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर से अस्तर मिलाना है, अस्तर मिलाने के बाद हाफ हाफ इंच इस पर सिलाई लगाना है।
बचा के चला लिया। अब इसको करेंगे सीधा ऐसे, उसके बाद अभी पट्टी को जोड़ेंगे। इसको ज्वाइंट करना है कैसे वो देखिए, ये हमने ले लिया, उसके बाद इसके ऊपर रखना है और हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई को चला देना है। हाफ इंच अब आगे से एक्स्ट्रा लिए हुए हैं। ये हमने बेल्ट ज्वाइंट कर लिया, सिलाई लगा देते हैं। एक साइड का पल्ले जैसे हमने तैयार किया, ऐसे हम इसी तरह दूसरी साइड का पल्ला तैयार करते हैं। हमने सेम टेकिंग दोनों में लगा लिया है, ये देखिए दोनों हमने आगे का रेडी कर लिया। अब शोल्डर ज्वाइंट करते हैं, तो शोल्डर ज्वाइंट के लिए हमें पीछे वाला पल्ला लेना होगा, तो यहाँ पे हमने पीछे का पल्ला ले लिया है ये। अब इसके ऊपर हमें शोल्डर को रखना कैसे है वो देखिए, दोनों साइड रख लेना है बिल्कुल बराबर से, ये देखिए इस तरीके से लेना है बिल्कुल बराबर से, शोल्डर की जॉइंटिंग करनी है हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए, तो हम कर लेते हैं। ये देखिए एक हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया, फिर दूसरा ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। दोनों शोल्डर ज्वाइंट हो गई, अब हम फिटिंग करेंगे। हमें 1.5 इंच पे करनी है तो वो मैं कर लेती हूँ। एक बार अपना फिटिंग चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप फिटिंग कर लीजिएगा। साइड की फिटिंग हो गई, इसी तरह दूसरे साइड की करेंगे। दोनों साइड की फिटिंग हो गई, हुक पट्टी काच पट्टी लगाएंगे, इधर हुक पट्टी और इधर काच पट्टी लगेगी। लेफ्ट साइड में हुक पट्टी, राइट साइड में काच पट्टी। तो पतला वाला है वो है हुक वाली पट्टी, तो हुक वाली पट्टी हम कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ले लिया ऐसे, इसको इसको ऐसे डबल करके हमने रख लिया। अब इस पर हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। ये देखें अब इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ऊपर सिलाई इसको ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई चलाएंगे और एक रफ स्टिच कर लेंगे। ये वाला सिलाई हमें हेमिंग के बाद खोल देना है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा है यहाँ से कट कर लेंगे। उसके बाद अब लगाएंगे काज वाली पट्टी। पट्टी हम कैसे लगाएंगे, यहाँ इस तरीके से हमें लेना है और इसको हमें ऐसे लेना है, डबल करते हुए इसके ऊपर रख लेना है उल्टा साइड से। ये हमने रख लिया है, अब सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ते हुए कट करेंगे, उसके बाद इसको हमें आगे के साइड ऐसे पलट देना है, इसको अंदर फोल्ड करते हुए ऐसे, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे।
अब लगाएंगे गला और बाजू। हमने बाजू ले लिया है, बाजू में हमने अस्तर रख के सेट कर लिया है। अब इसको करेंगे फिटिंग। यहाँ ये वाला वर्क मिलाते हुए अब फिटिंग लगा लेना है। अब अपने साइड से फिटिंग लगा लीजिए। फिटिंग का हमने एक निशान लगाया हुआ है, अब इसको हमें करना है फिटिंग। तो यहाँ पे हमने एक को फिटिंग कर लिया, इसी तरह दूसरा को करेंगे। बाजू हमने सेम फिटिंग कर लिया है, आर्म होल में लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे वो देखिए। हमें बाजू हमें कैसे लगाना है, यहाँ पे हमने एक कट लगा लिया है। ये कट शोल्डर पे जानी चाहिए, शोल्डर के सिलाई पे इस तरीके से पूरे गोलाई में सिलाई को लगा देना है ऐसे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए। गोलाई में इस तरीके से सिलाई को लगा देंगे हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए। गोलाई में इस तरीके से सिलाई को बिल्कुल बराबर से लगा देना है। तो यहाँ हमने अंदर बाजू रख के पूरे गोलाई में सिलाई लगा दिया, इससे दूसरा बाजू लगाएंगे। हमने दूसरा बाजू भी लगा लिया है, अब लगाना है गला। तो ब्लाउज का गला हम कैसे लगाते हैं वो देखिए। यहाँ पे हमने गला वाला पट्टी ले लिया है इस तरह से, देखिए। उसके बाद अब गला में लगाना कैसे है वो देखना है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज ले लिया है, अब गला में पट्टी लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे जो हमने उड़ेप कटिंग किया था, इस ब्लाउज की कटिंग की वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा कि कटिंग हमने कैसे किया है। अब गला पे पट्टी लगाएंगे, इसको हमें ऐसे हाफ इंच फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको इसके ऊपर डालना है और पूरे में सिलाई लगाते जाना है हाफ हाफ इंच पकड़ते हुए। इस तरीके से पूरे में लगाते जाना है। पट्टी को हमने लगा दिया है, एक्स्ट्रा हाफ इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। पट्टी लगने के बाद, ये पट्टी जो लग गई है, उसके बाद इसको हमें ऐसे पकड़ना होता है इधर, और इस तरीके से हाफ हाफ इंच छोड़ते हुए, हाफ हाफ इंच इतना पकड़ते हुए, ज़्यादा ऐसे चौड़ा नहीं, हाफ हाफ इंच इतना पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे पीछे से, इतना कट करेंगे कि हमारा सिलाई ना कटे। इस तरीके से पूरे को हटा देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था उसको हमने कट कर लिया। अब इसको हमें ऐसे पलटते हुए हेमिंग करना है। तो चलिए पूरी इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। इसमें लगाएंगे हुक, इसमें लगेगा काज। तो पूरी को फिनिश करके इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, देखिए ब्लाउज की फाइनल लुक इस तरीके से। हमने हुक काज पूरी करके कंप्लीट कर लिया। यहाँ हमने हुक भी लगाया है, ये हमने काज बनाया है, गला भी हमने हेमिंग कर लिया है। तो देखिए कितना फिनिशिंग लग रहा है। तो आज की ये ब्लाउज स्टिचिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कॉमेंट। मैं पीछे का दिखाती हूँ बैक साइड से, इस टाइप से है। तो बहुत प्यारा ये स्टिचिंग होने के बाद लग रहा है। तो फ्रेंड्स, इसकी कटिंग देखनी है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, हमने कटिंग का लिंक दिया हुआ है, आप जाइए एक बार कटिंग देखिए, फिर आप इसको सिलना सीखिए। तो इससे पहले अभी तक
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए फिर से बाय बाय।